फरीदाबाद में बल्लभगढ़ के आखिरी शासक राजा नाहर सिंह की मूर्ति का गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने अनावरण किया, जहां कार्यक्रम में सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के नेता भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, बीजेपी सांसद हेमा मालिनी और ओम प्रकाश चौटाला। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र हुड्डा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने एक मंच पर सभी के साथ सीटों को साझा किया। कार्यक्रम में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि 1857 की क्रांति की शुरुआत में अंग्रेजों को मालूम चल चुका था कि राजा नाहर सिंह को खत्म किए बिना वह दिल्ली पर फतेह नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने धोखे से संधि के बहाने राजा नाहर सिंह को दिल्ली बुलाया और उसके बाद उनके दो साथियों गुलाब सैनी और भूरा वाल्मीकि के साथ उन्हें चांदनी चौक पर फांसी दी गई। ये हमारे को गर्व है क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई 1857 में हुई और इन्होंने सब कुछ त्याग करके देश के लिए कुर्बानी की है। उसके बाद आज़ादी की लड़ाई लड़ी, 1947 में देश आज़ाद हुआ और इस बात का हमारे को प्रेरणा लेनी चाहिए। दो शहीदों को याद करता है मेरी गाड़ी पीछे, वही आगे जाता है। वल्लभगढ़ हम पहुँचे हैं इसलिए अमर शहीद नाहर सिंह जी, जिनका एक स्मारक बना है, उनका मूर्ति बनी है, उन्होंने बहुत बड़ा बलिदान किया है राष्ट्र के लिए, उनके ऊपर एक बड़ा ये स्मारक बना हुआ, उसके उद्घाटन